गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आई हूँ बोरिवली नेशनल पार्क में, बिकॉज हमें जाना है कानेरी केव्स। सो एंट्री हम कर चुके हैं, 188 दो जन का लगा फॉर एंट्री, नेशनल पार्क के एंट्री के लिए। एंड अब हम बस पकड़ के थोड़ा वॉक करना है, एंटर करते ही वॉक करके नेशनल पार्क से, सॉरी, वॉक करके कानेरी केव्स जाएंगे। आई मीन बस स्टॉप है सामने हमारे। सो यस, लेट्स गो। वो रहा सामने बस स्टॉप, वहाँ पर बस आएगी और हम जाएंगे कानेरी केव्स। ये एक्साइटेड टू सी वाटरफॉल। ये बस घूम के आएगी और हमें ले जाएगी कानेरी केव्स। हम वहां से आए। बीच अब कानेरी केव्स का टिकट निकालेंगे ऊपर जाके। मंकीज, यहाँ पर मंकीज बहुत सारे हैं, मैं दिखाऊंगी आगे आगे जाके। 25 रुपए का एंट्री टिकट है टू कानेरी केव्स पर पर्सन। एंड मंकी, ओके लेट्स गो। वहाँ पर थोड़ा सा वाटरफॉल है, लाइक पूरे हाय से देखो कितने सारे मंकीज है। स्टैंड मैं लेके आई थी बट कोई फायदा नहीं, बिकॉज यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, आई मीन लगा नहीं सकते। एंड वाटरफॉल, ये तो छोटू सा है, आगे बड़ा होगा। ओके, दिस इज कानेरी केव्स। सो केव्स के अंदर हम बाद में जाएंगे, पहले हम जाएंगे जहाँ पर मेन वाटरफॉल है वो देखने। सो लेट्स गो। ये भी है, यहाँ पर हम बाद में जाएंगे एज आई सेड, पहले चलते हैं ऊपर। यहाँ से व्यू देखो एंड लुक वाटरफॉल, वाओ। चलो ऊपर। थोड़ा सा धीरे धीरे चलना है बिकॉज स्लिपरी हो गया है। वाओ वाटरफॉल, ऊपर से और अच्छे से दिखेगा। इधर का व्यू देखो गाइस। ये बैठे हैं कैसे। वाओ लुक गाइस,
वाओ बारिश शुरू हो गई। वाह ये मैंने मिस कर दिया था लास्ट ईयर एंड इसलिए मैंने इस साल वेट किया कि जब बारिश होगी तभी मैं आऊंगी बिकॉज मुझे ये मिस नहीं करना। It has started raining. हम यहाँ रुके थे, अब हम जाएंगे ऊपर। बारिश रुक गई, थोड़ी अभी भी हो रही है। ऊपर चलते हैं और बारिश के वक्त धीरे धीरे चलना पड़ता है बिकॉज बहुत ही स्लिपरी हो जाता है। अब हम और ऊपर जाएंगे बट आई एम सो हैप्पी वाटरफॉल देखने मिल गया। यार आज तो दो दो मिनट में बारिश आ रही है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ के मंकीज बहुत डेंजरस है, सबके बैग्स को अटैक कर रहे हैं। चलो प्लीज हमको बख्श दो मंकीज। चल ये ट्राइपॉड देख के वो डर रहे हैं। मेरी मम्मी ने पकड़ा ही इस तरीके से है। फिर से बारिश आ गई बट हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई। एक मंकी ने मेरे मम्मी के पास, मेरी भी पर्स थी और मेरी मम्मी की खुद की भी पर्स थी, उस पर अटैक किया। मेरा पाउच ले गया जिसमें सारे चॉकलेट्स वगैरह थे। उसमें क्लिप था, क्लच था, सॉरी वही है, USB केबल था। वो सब वो उठा के ले गया, वो पाउच ही उठा के ले गया। फिर हमने वेट किया थोड़ी देर एंड उसने पाउच फेंक दिया था। तो मुझे क्लिप और हेयर बैंड और मेरा पावर बैंक पाउच भी मिल गया बट वो सारी चॉकलेट्स ले गया। तो थैंक गॉड।
सॉरी नॉट पावर बैंक, यूएसबी केबल, तो वो सारी चीज़ें मिल गई। और थैंक गॉड और कुछ रखा नहीं था मैंने उस पाउच में। सो अब जाते वक्त फिर से डर लग रहा है, फिर से वो हमारे बैग पे अटैक ना करें, बिकॉज वो और एक जन के भी बैग पे अटैक कर रहा था, वो भी दूसरी बार। तो हो सकता है वापस से अटैक करें। नहीं, शुभ शुभ बोलती हूँ, और थोड़ा आगे जाएंगे फिर चले जाएंगे घर। वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप। दिस इज़ आवर व्यू। वहाँ से मंकी ले गया था मेरा पाउच। एक तो बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं भीग गई मंकी के चक्कर में। उसने लिटरली पाउंस किया मेरी मम्मी के ऊपर, बैग के ऊपर, एंड हमने छोड़ दिया बैग, मम्मी ने छोड़ ही दिया। बैग वाला तुड़ी मार ला ना कोड़े वाला। इसके साथ में उसको डराने की कोशिश कर रही थी पर वो डर नहीं रहा था, मुँह खोल के हमारे ही पर अटैक करने वाला था वो। इससे अच्छा तो भीड़ के वक्त आ जाओ। वो तो हमसे ही डरेंगे फिर। अब कोई है नहीं तो उनको चांस मिल गया। यार जब मैं लास्ट ईयर यहाँ पर आई थी तब एटलीस्ट हर जगह पे सिक्योरिटी तो थे, इस बार तो कोई नहीं है, सिर्फ जो मेन एरिया है उधर ही एक सिक्योरिटी गार्ड था, और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मतलब पता नहीं, लास्ट ईयर भी भीड़ नहीं थी, मैं ऐसे ही टाइम पे आई थी, बट एटलीस्ट सिक्योरिटी थे हर एक ऐसे पॉइंट्स पे सिक्योरिटी थे, और बल्कि दो दो तीन तीन थे। इस बार तो बिल्कुल एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं। गाइस अब तो मुझे इतना डर लग रहा है ना। एक मंकी को मैंने देखा, कुछ तो चबा रहा था, शायद वो मेरी च्युइंगम चबा रहा है। हम तो उनको कुछ कर भी नहीं रहे थे फिर भी हमें सता रहे। बस हाँ, और ऊपर नहीं जाना है यार, बस इधर तक ही। वाओ, ओ हो, चुप बस गया। मम्मी बोल रही है डर के मारे हम जंप वंप ना कर दें। हम दोनों में खौफ पैदा हुआ है। ओके, अब हम और आगे नहीं जाएंगे इससे, वी आर गोइंग बैक। लुक एट देम। मामी क्या बोल रही है ना, ऊपर से जाके ये पकड़ना। थैंक यू, मेरी बैग। गाइज हम नीचे तो आ गए जहाँ पर मेन एरिया है, बट हम अभी केव के अंदर तो नहीं जाएंगे। केव में जाने का मूड नहीं है वैसे। अगर केव के अंदर का आपको देखना है तो आप मेरा लास्ट ईयर का व्लॉग देख लेना, उसमें मैंने पूरा दिखाया है। सो अब हम जाएंगे घर, एंड मज़ा तो आया बट बहुत ही डर भी लगा मंकीज का। लोगों की हेल्प लेके लेके हम नीचे आए हैं मंकीज से डरते हुए। सो अब हाथ दर्द कर रहा है। मुझे भीगना नहीं था।
दीदी मैं भीग गई। ये भी एक टाइप का एक्सपीरियंस ही था, मज़ा भी आया डर भी लगा, जो भी है अच्छा था एक्सपीरियंस। अब हम वापस बस के लिए रुकेंगे और जाएंगे घर। हम बस स्टॉप पे आ गए, बस भी आ गई जहाँ पे हमको बस ने छोड़ा था, वहीं पर ऑपोजिट में बस स्टॉप है। ये आए का हम टाइगर ढूंढ रहे हैं। आते वक्त ड्राइवर को और कंडक्टर को टाइगर दिखा। आज का एक्सपीरियंस तो मस्त था, जैसे मैंने पहले भी बताया, डर भी लगा और अच्छा भी लगा, एंजॉय भी किया। बट आप भी अगर ऐसे ऐसी जगह पे जाते हो तो केयरफुल रहना। हम वैसे वाटरफॉल में भीगने नहीं गए, तो जब तक बारिश हो फिर भी भीग गए, और जब बारिश हो रही थी तब हम शेड में रुके थे। सो आप भी अगर कानेरी केव्स जाओगे तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा स्टेयरकेस वगैरह संभालना, बस बहुत ही पानी आ रहा होता है। एंड मंकीज से बच के रहना, बहुत ही खतरनाक है। ओए सबसे खतरनाक मंकीज है लिटरली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सी यू सून, बाय।